हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग का सेकेंड लास्ट लीग मैच खेला जाएगा, जो कि पंजाब और हैदराबाद के बीच में, जहां पे पंजाब पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, वहीं पे हैदराबाद यह मैच जीतकर टॉप टू में फिनिश करना चाहेगी। अब तक तीन टीम जो कि कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, बचे हुए एक प्लेस के लिए तीन टीमों में फाइट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं मैच नंबर 69 जो कि खेला जाएगा पंजाब और हैदराबाद के बीच में। इस सीजन में पहले भी एक बार पंजाब की टीम हैदराबाद से हार चुकी है। यह मैच 19 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पंजाब 7 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर हैदराबाद 15 मैच जीत के आ रही है। तो अब बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे हैदराबाद के पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है। इस मैच में दोनों तरफ से चौके छक्के खूब देखने को मिलेंगे, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। इस तरह ने यहाँ पर आईपीएल इतिहास का सेकंड हाईएस्ट स्कोर 277 रन बनाया था। बॉलर्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा हेल्प नहीं है। वहीं अगर बात करें इनके वेदर रिपोर्ट, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम थोड़ी सी क्लाउडी रह सकती है, ह्यूमिडिटी 87% रहेगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 41% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 58% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करें इनका एवरेज स्कोर देखें, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है, तो वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है। दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हैदराबाद वो टीम है जिसने इस साल T20 क्रिकेट को ही बदल दिया। टीम ने एक अलग तरीके का खेल भी देखा है। टीम का लास्ट मैच जो कि 22 के चलते कैंसिल हो गया था, जिसके चलते टीम को एक पॉइंट मिला और टीम 15 पॉइंट के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली थर्ड टीम बन गई। जिस रफ्तार से टीम के बैटर्स बैटिंग करते हुए उनको देखकर यह लग रहा है कि टीम जल्दी 300 रन भी बना सकती है। टीम अगर यह मैच जीत लेती है तो टीम के पास मौका होगा टॉप टू में जगह बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए टीम को स्थान की हार भी चाहिए होगी। ओपनिंग में बात किया जाए जो कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा टीम के लिए अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। हेड ने 533 रन के साथ टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं पर अभिषेक भी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। एडम मक्राम को लास्ट कुछ गेम से ड्रॉप कर दिया गया था। हेनरी क्लासन भी अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर में जहाँ पे नीतीश रेड्डी टीम की एक नई खोज है, शहबाज अहमद, अब्दुल समद भी हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। बॉलिंग में बात करेंगे जो कि हर एक मैच में अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर एक बॉलर। वहीं टीम 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है, जहां पे भुवनेश्वर को अब पूरी तरह फॉर्म में आ चुके हैं। पैट कमिंस जो कि 12 मैच में 14 विकेट ले चुके हैं। वहीं पे टी नटराजन अब तक 15 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं पे श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर विजय कांत को लास्ट गेम में चांस मिला था, लास्ट गेम में जहाँ पे मैंक मार्गंडे बाहर थे, जयदेव नाडर जो विकेट दिला रहे हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, एडम मक्राम है, अनिल क्लासन, अब्दुल समद है, शहबाज अहमद है, नीतीश रेड्डी है, नटराजन है, जयदेव है, पैट कमिंग्स है, भुवनेश्वर कुमार है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि अनमोलप्रीत सिंह है, उमरान मलिक है, वाशिंगटन सुंदर है, ग्रेन फिलिप्स है, मैंक मार्गंडे है। वहीं अगर की प्लेयर की बात क्या है जो कि ट्रेविस हेड है, अनिल क्लासन है और टी नटराजन है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे पंजाब पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टीम के लिए अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, पूरे सीजन में एक यूनिट की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। दो तीन प्लेयर को छोड़ दे तो सबने निराश किया है। सीजन का स्टार्ट में कई मैच टीम ने क्लोज मार्जिन से गंवाए और वहीं लास्ट में भारी पड़े। कप्तान शिखर चोट टीम के लिए सबसे बड़ा झटका लगा टीम को, लेकिन लास्ट के में मजबूत स्थान को आ रहा है। टीम अब तक 13 मैच खेले जिसमें से 5 ही मैच में जीत हासिल की। यहाँ से टीम हैदराबाद का खेल खराब कर सकती है। वहीं पर अगर ओपनिंग में बात करेंगे जो कि ब्रैडशॉ और प्रभसिमरन सिंह खेल रहे हैं, नंबर 3 पर रायलो रसो भी रन बना रहे, सशांत सिंह हर मैच में टीम के लिए रन बना रहे। लॉर्डर में जहाँ पे अस्तोर शर्मा, जितेश शर्मा इनकन्सिस्टेंस दिखे, सैम करन ने लास्ट गेम में 63 रन बनाए, टीम को जीत दिलाई थी। बॉलिंग में टीम थोड़ा सा अच्छा कर रही है, टीम राजस्थान को 144 पे ही रोक दिया था। टीम के 4 बॉलर जो अब तक 10+ विकेट ले चुके हैं, वहीं पर हर्षल पटेल जो कि 12 विकेट के लेके पर्पल कैप होल्डर भी पहने, कशिको रवारा इंजरी के चलते बाहर हुए थे, जहां पर हरदीप सिंह अब तक 17 विकेट ले चुके हैं, सैम करन ने इस साल 16 विकेट लिए, स्पिन बॉलिंग में राहुल चहल खेल रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉनी ब्रेस्टो, राइली रुसू है, प्रभसिमरन सिंह है, अस्तोष शर्मा, जितेश शर्मा, सैम करन,
शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, हरदीप सिंह है, नाथन इलियस है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करें तो भैया थर्वा ट्रेड है, शिवम सिंह है, ऋषि धवन है, हरप्रीत सिंह है, राहुल चहल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि शशांक सिंह है, जॉनी ब्रेस्टो, हर्षल पटेल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बर्तन चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर हैदराबाद होगा, यहाँ पे पंजाब किंग्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।